अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रपति की विदाई शक्तियों की बात है तो अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने से संबंधित ये गलती आपने लिखी है, लेकिन इसको ढंग से समझ लो क्यों सब कैसे बनेंगे इस बात को देखिए। अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किस स्थिति में किया जाता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाएगा, यानी यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी किया जाता है। अब पहला क्वेश्चन यहां बनेगा कि अध्यादेश किस परिस्थिति में जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए संसद का सत्र चल रहा है तो, ऑप्शन नंबर बी संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो, ऑप्शन नंबर सी संसद के सत्र को समाप्त करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी नए कानून बनाने के लिए। तो संसद का सत्र अगर नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करके कानून बनाए जाते हैं। अब जैसे मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा है और सरकार को आवश्यकता पड़ गई कि कानून की आवश्यकता है, सरकार अगर समस्या में आ जाए, ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल किसको कहती है? राष्ट्रपति को कहती है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अध्यादेश क्या होता है? अपन ने जब विधि शब्द के बारे में चर्चा की थी तो उस समय शब्द आया था कि राष्ट्रपति द्वारा और राज्यपाल द्वारा जारी होने वाले अध्यादेश अपने आप में क्या है? कानून होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं? विधि होते हैं। पढ़ा था ना हमने अनुच्छेद 13 के अंदर 4 के अंदर कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अपने आप में एक क्या होता है? विधि होता है, कानून होता है। तो ये अध्यादेश अपने आप में क्या होता है? कानून है। विधि शब्द को हमने जब पढ़ा था उसमें यहाँ पर चर्चा की गई। इसके अलावा हम बात करें आगे कि जो ये अध्यादेश जारी किया गया है, ये अध्यादेश जारी करने के बाद में जो कानून बना है उसकी अवधि क्या होगी उसके बारे में चर्चा की गई। तो इसकी जो अवधि होती है अध्यादेश से बने कानूनों की अवधि, अध्यादेश से जो कानून बनेगा उसकी अवधि है वो नया सत्र शुरू होगा उसकी पहली बैठक से लगा करके 42 दिन तक रहेगी। अध्यादेश कब तक रहेगा? जो नया सत्र आएगा उसकी पहली बैठक से लगा करके 42 दिन या 6 सप्ताह आप कह सकते हो। अध्यादेश से कानूनों की अवधि नए सत्र की पहली बैठक से अगले 42 दिन या 6 सप्ताह होगी। अब देखिए अध्यादेश जारी किया गया और अध्यादेश के तहत सत्र बुलाया गया और कानून बना दिया, उसकी अवधि की अगर बात हो रही है तो उस अवधि की अगर हम बात करें, जैसे मान लो आज कानून बना, आज से 15 दिन बाद संसद ने सत्र बुला दिया। 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। इनके अलावा ये सत्र होता है आपातकालीन सत्र जिसे हम कहते हैं, अध्यादेश जारी करके बुलाया जाता है। आज से 15 दिन बाद में मान लो सत्र बुलाया जा रहा है तो उसकी अवधि क्या होगी? उसका समय कितना होगा? 15 + 42 दिन, यानी 15 दिन वो प्लस पहली बैठक से 42 दिन। अगर वो 2 महीने बाद बुलाया जा रहा है तो 60 दिन वो प्लस 42 दिन। अगर वो 1 महीने बाद बुलाया जा रहा है, सत्र बुलाया जा रहा है, संसद का सत्र हो रहा है, तो उसकी अवधि हो जाएगी 30 वो और आगे 42 दिन।
यानी जो अध्यादेश जारी किया गया और अध्यादेश के तहत जो कानून आया है वो हमेशा अगला जो सत्र होगा उस सत्र की पहली बैठक से लगा करके 42 दिन तक होगा। अब ध्यान रखना संसद के अंदर सत्र बुलाए जाते हैं और 6 महीने से अधिक का समय बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये भी पता। तो यहां से एक क्वेश्चन बहुत शानदार बन सकता है और वो क्वेश्चन ये बनेगा कि अध्यादेश की अधिकतम जो समय सीमा होती है वो कितनी होती है, यहां से एक प्रश्न उठेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिकतम समय सीमा, क्योंकि संसद का जो सत्र है उसके बीच में 6 महीने का गैप किसी भी हालत में नहीं होना। तो अधिकतम समय सीमा की अगर हम बात करें छह माह व 42, यानी 6 माह तक तो बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। अगर अध्यादेश आज जारी हुआ और अगले 6 महीने में तो संसद का सत्र बुलाना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य। तो अगला जो सत्र बुलाया जा रहा है उसकी बैठक से 42 दिन तक ये प्रभावी रहेगा, लागू रहेगा। तो अधिकतम समय सीमा कितनी होगी, 6 माह व 42, कितना हो गया 6 महीने का गैप। अब ये 6 महीने का गैप कैसे है, तो आप समझ सकते हो कि संसद का सत्र बुलाया जाता है उसके बीच में जो आज सत्र हुआ है उससे अगला जो सत्र होगा वो उनके बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाना अनिवार्य होता है, इसलिए अधिकतम अगर अपन समय मान ले तो 6 महीने के अंदर अंदर तो संसद का सत्र बुलाना ही पड़ेगा। तो अध्यादेश जिस दिन जारी हुआ है तो अध्यादेश क्या बात कह रहा है कि जो अगला सत्र होगा उसकी बैठक से आगे 42 दिन तक रहेगा ये प्रभावी। ये कानून कितने दिन तक प्रभावी रहेगा, जो अगला सत्र होगा उसकी बैठक से लगा करके 42 दिन तक। तो कहने का मतलब हो गया कि अगला सत्र मान लो अगर 10 दिन बाद बुलाया जाए तो 10 दिन वो प्लस आगे 42 दिन, अगला सत्र अगर 3 महीने बाद बुलाया जाए तो 3 महीने वो प्लस 42 दिन, और 6 महीने में तो बुलाना ही बुलाना पड़ेगा तो 6 माह प्लस 42। आगे प्रश्न समझ में आया या नहीं आया। अब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी अधिकतम समय सीमा या समय सीमा कितनी होती है, क्वेश्चन वापस सुनिए कि राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी समय सीमा कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 42 दिन, ऑप्शन नंबर बी 42 दिन व 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी अगले सत्र की पहली बैठक से 6 सप्ताह तक, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यहां क्या आंसर आएगा, क्या राइट आंसर होगा बताइए। बयालीस दिन छह सप्ताह, उससे पहले मैंने ये बात दिखाई थी कि अध्यादेश कानूनों की अवधि नए सत्र की पहली बैठक से, तो सी ऑप्शन क्या था आपका कि नए सत्र की पहली बैठक से 6 सप्ताह तक, तो उसकी अवधि क्या हो जाएगी, नए सत्र की पहली बैठक से 6 सप्ताह या 42 दिन, कुछ भी करो 7 संग 42 होते नहीं होते, 6 सप्ते में कितने दिन होते, 42 दिन होते, या 42 दिन कह दो या 6 सप्ताह कह दो, चीज एक ही। तो इस प्रकार का प्रश्न आए, वापस बता रहा हूं ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या था कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की जो समय सीमा है वो कितनी होती है, ऑप्शन में आपको दे रखे हैं 6 सप्ताह व 42 दिन, ऑप्शन नंबर बी केवल 42 दिन, ऑप्शन नंबर सी अगले सत्र की पहली बैठक से 6 सप्ताह तक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगले सत्र की बैठक से 6 सप्ताह तक, अगले सत्र अब कब हो रहा है, अगला सत्र वो 10 दिन बाद भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन अगले सत्र की पहली बैठक से लगा करके 6 सप्ताह तक उसकी अवधि होती है। और प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि जो अध्यादेश होता है उसकी अधिकतम समय सीमा कितनी होती है, तो कितनी होगी, 6 माह और 42 दिन, यानी 6 महीना के अंदर अंदर तो संसद का सत्र बुलाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, जरूरी है, तो वो सत्र बुलाया जाएगा उसकी बैठक से अगले 42 दिन, तो 6 महीने प्लस 42 दिन, ये हो गया अध्यादेश से संबंधित बातें। आ गया समझ में, या कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, ये चीज आपने कल लिख ली थी। अगली बात है
अनुच्छेद 331, इसमें क्या बात थी पहले, अब इसमें परिवर्तन हो गए, इस बात को समझिए। इसमें ये था पहले कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में मनोनीत करेगा। भारत का राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करेगा। जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करेगा। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा राष्ट्रपति? कौन से अनुच्छेद में बात थी? अनुच्छेद 80 3। अनुच्छेद 80 और 3 के तहत ये बात लिखी हुई थी कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करेगा। किस आधार पर करेगा? किस आधार पर? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 आधार थे। लेकिन 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेगा, और वो किन को करेगा? आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा। तो आंग्ल भारतीय कौन होंगे? आंग्ल भारतीय किसे कहा जाता है? देखिए, आंग्ल भारतीयों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किया गया है। आंग्ल भारतीय कौन होंगे? यह अनुच्छेद 366 में समझाया गया है कि माता या पिता दोनों में से एक, ये जो शब्द है आंग्ल भारतीय विशेष रूप से अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त हुआ है, माता या पिता या दादी या दादा, उनमें से एक भारतीय और एक अंग्रेज हो, उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो क्या कहलाएगी? आंग्ल भारतीय कहलाएगी। तो आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व भारत में देने के लिए 2 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा में मनोनीत करेगा। अब देखिए, इस बात को समझिए, अगर आंग्ल भारतीय कोई निर्वाचित होकर आ जाए, मान लो लोकसभा के अंदर 543 सदस्य निर्वाचित होकर आए, उनमें से 544 हो गए निर्वाचित होकर, जिसमें से एक आंग्ल भारतीय निर्वाचित हुए और पीछे 543 दूसरे आए, तो राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करेगा? एक आंग्ल भारतीय निर्वाचित होकर आ गया, तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति 2 को करेगा या 1 को करेगा? कितनों को करेगा? 2 को करेगा। मैंने आपको कहा कि राष्ट्रपति है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। अब प्रश्न में आपके सामने ये दे रहा हूं कि अगर मान लो लोकसभा में एक आंग्ल भारतीय निर्वाचित होकर आ जाए, चुनकर आ जाए कहीं से, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 1 को मनोनीत करेगा या 2 को करेगा? बताइए, 1 को करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व हो गया है, वो निर्वाचित होकर आ गया है, पीछे राष्ट्रपति कितना करेगा? 1 को करेगा, 2 को नहीं कर सकता। अभी देखिए वर्तमान की परिस्थितियों की अपन बात करें, तो वर्तमान में क्या आंग्ल भारतीय मनोनीत है या नहीं है? 17वीं लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा में आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, क्या 17वीं लोकसभा में आंग्ल भारतीय मनोनीत है या नहीं? वर्तमान में 17वीं लोकसभा में कितने सदस्य है? 17वीं लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 तो क्या 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं? ध्यान रखना, वर्तमान में आंग्ल भारतीयों के ऊपर मनोनीत वाली जो सिस्टम थी उसके ऊपर रोक लगा दिया गया, अब आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं होंगे, पहले होते थे। अब 17वीं लोकसभा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व पर रोक लगा दी गई है कि आंग्ल भारतीय नहीं लिए जाएंगे, तो वर्तमान में 543 सदस्य है, याद रखना। अगर आपको प्रश्न पूछ ले
और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, करंट भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा में कितने अंगल भारतीय मनोनीत हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी का 2, ऑप्शन नंबर सी का कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इसको अंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया। तो आप क्या लिख जाओगे, अंगल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व यानी मनोनीत वाला जो काम था उसको हटा दिया गया। अभी वर्तमान में अंगल भारतीय मनोनीत नहीं हुए इस 17वीं लोकसभा में, इससे पहले 16 लोकसभा सभी मनोनीत हुए थे लेकिन इसमें मनोनीत नहीं है। तो अनुच्छेद 331 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति दो अंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करेगा। अब यहाँ आप लिख लो, वर्तमान में सत्रहवीं लोकसभा में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन पर रोक लगा दी। अब देखिए आंग्ल भारतीय के इससे पहले अगर अपन बात करें थोड़ी कि जब राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में हमने बात की थी अनुच्छेद 61 के बारे में, उसमें क्या बात लिखी गई कि राष्ट्रपति को हटाने हेतु कौन भाग लेते हैं, संसद के सदस्य भाग लेते हैं और संसद के सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाभियोग प्रक्रिया में मतदान करते हैं। ध्यान रखना राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर जो प्रस्ताव लाया जाता है क्या उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, क्या उसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, चुनाव में मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, क्या राष्ट्रपति को हटाने में ये भाग लेते हैं या नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में 12 सदस्य राज्यसभा वाले भी भाग लेते थे और ये 12 सदस्य 2 सदस्य आंगल भारतीय भी भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव तो करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो ये जो आंगल भारतीय जो पहले हुआ करते थे वो राष्ट्रपति को हटाने में भी भाग लेते थे जबकि राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करता था, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, 12 राज्यसभा वाले और 2 ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में ये शामिल होते। तो इसके ऊपर रोक लगा दी गई है और वर्तमान 17वीं लोकसभा में कुल 547 सदस्य, हैं। अब एक और विधेय शक्ति की अंतिम शक्ति बच गई, उसके बाद अपन वित्तीय शक्ति की तरफ चलेंगे। एक काम होता है राष्ट्रपति का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। अब देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर किसे कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, इसे क्या कहा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा उस समय भारत का राष्ट्रपति एक व्यक्ति को क्या बनाएगा, प्रोटेम स्पीकर बनाएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेगा। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे,
ऑप्शन नंबर ए ओम बिड़ला, ऑप्शन नंबर बी सीपी जोशी, ऑप्शन नंबर सी विश्वेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी एम वेंकैया नायडू। सत्रहवीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ओम बिड़ला, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सीपी जोशी, ऑप्शन नंबर सी विश्वेंद्र कुमार और ऑप्शन नंबर डी वेंकैया नायडू। कौन थे? ओम बिड़ला। क्या वेरी गुड। देखिए ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष है, अस्थायी नहीं है, और सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हो गए। वेंकैया नायडू जो भारत के क्या है उपराष्ट्रपति है, ऐसी स्थिति में पीछे कौन बच गया? विश्वेंद्र कुमार। तो राइट आंसर क्या हुआ? विश्वेंद्र कुमार। सत्रहवीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था? विश्वेंद्र कुमार। अब प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है देखिए, प्रोटेम स्पीकर हमेशा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और किस आधार पर की जाती है, ये बहुत अच्छा प्रश्न। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर किसको बनाएगा? नई लोकसभा के सारे सदस्य चुनकर आए, नई सरकार बन रही है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे, जैसे आप एक लोकसभा सदन एज उदाहरण, आप सारे लोकसभा के सदस्य हो और राष्ट्रपति क्या करेगा? हंसने की बात नहीं, आप भाई कभी लोकसभा में नहीं बैठ सकते हो, सपने हमेशा ऊंचे रहने चाहिए। आप जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हो आगे जाकर। अगर आपको आप में से किसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाना है तो किस प्रकार बनाया जाए, इसका आधार होता है। इसका आधार क्या होता है? वरिष्ठतम के आधार। तो वरिष्ठता का मतलब सबसे बुजुर्ग है उसको बनाया जाए, ये होगा। बुजुर्ग नहीं होगा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या होगा? अनुभवी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो ज्यादातर लोकसभा में जीत कर आया, सबसे ज्यादा जो जीत कर आया है उसे क्या है भारत का राष्ट्रपति क्या नियुक्त करेगा? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा, अस्थायी अध्यक्ष जिसे कहते हैं, जो सबसे ज्यादा जीत कर आया है उसको बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी उम्र ज्यादा है, उम्र के हिसाब से नहीं नियुक्त किया जाता है। जो सबसे ज्यादा लोकसभा में जीत कर आया है, आप में से अगर कोई व्यक्ति है अगर 4-5 बार जीत कर आया है, एज उदाहरण आप लोकसभा, और आप में से कोई मान लो ये भूरा राम है 5 बार जीत गया, तो इसको क्या बनाया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जीत गया। एज उदाहरण मानना है, आप उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, एज उदाहरण दे रहा हूं हंसने की बात। तो ऐसी स्थिति में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। तो राष्ट्रपति हमेशा लोकसभा में अनुभव के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर हमेशा क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, और प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर को बुराराम नहीं बन सकता है क्या? प्रोटेम स्पीकर आवाज है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ हमेशा कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। अब प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? तो प्रोटेम स्पीकर के काम की अगर हम बात करें तो प्रोटेम स्पीकर दो प्रकार के काम करता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य पहला है सांसदों को शपथ दिलाना। इसका पहला काम क्या है? अन्य जो सदस्य है उनको क्या है? शपथ दिलाने का काम करेगा। दूसरी इसका काम है अध्यक्षता करना, बैठकों की अध्यक्षता करना। और ये बैठकों की अध्यक्षता कब तक करेगा ध्यान रखना? जब तक
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा, बैठकों की अध्यक्षता भी करेगा और इसके अलावा अन्य जो सदस्य है उसको शपथ दिलाने का काम करेगा। तो जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा भारत का राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा, उसको शपथ दिलाएगा। प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त करेगा, जो सदन में सबसे अनुभवी व्यक्ति होगा, जो सबसे ज्यादा जीत कर आया है उस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति क्या बनेगा, प्रोटेम स्पीकर, फिर उसको शपथ दिलाएगा। फिर वो प्रोटेम स्पीकर क्या काम करेगा, तो वो प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को, जो अन्य सांसद है उनको शपथ दिलाने का काम करेगा और सदन की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष न चुन लिया जाए तब तक प्रोटेम स्पीकर है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब ध्यान रखना लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो आप भलीभांति जानते होंगे कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव स्वयं लोकसभा करती है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव क्या है, लोकसभा के सदस्य ही करते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव कौन करेगी, लोकसभा स्वयं करेगी। तो जैसे ही नई लोकसभा गठन हुई तो पहले दिन तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता है, उसको 2 दिन 4 दिन या 5 दिन लग सकते हैं। तो तब तक बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर, और सारे सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, ये प्रोटेम स्पीकर करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 की बात करें तो उसमें क्या लिखा गया है कि संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त किसी प्रतिनिधि के माध्यम से शपथ दिलाने का काम करेगा। संसद के सदस्यों को शपथ है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत आती है कि संसद के जो सदस्य हैं उनको शपथ या तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाएगा या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से दिलाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, हमेशा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है और भारतीय संविधान में प्रोटेम स्पीकर नामक शब्द का कहीं पर भी उल्लेख भी नहीं है। याद रखना प्रोटेम स्पीकर नामक शब्द का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना। किसी भी अनुच्छेद में प्रोटेम स्पीकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ये प्रक्रिया चली आ रही है, व्यवहारिक रूप से चला आ रहा है कि राष्ट्रपति सारे सदस्यों को शपथ नहीं दिला सकता है, इसलिए एक व्यक्ति राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है, उसे शपथ दिलाता है और बाकी वालों को शपथ दिलाने के लिए उसको कह के चला जाता है। क्योंकि अनुच्छेद 99 भी ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति या तो स्वयं शपथ दिलाएगा या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के माध्यम से शपथ दिलाने का काम करेगा, और सारे सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और सारे सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, या तो प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा या राष्ट्रपति दिलाएगा, दोनों में से एक भी रहे। तो ये प्रोटेम स्पीकर। इसके अलावा हम बात करें प्रोटेम स्पीकर की, अगली बात करें तो बहुत सारी प्रश्न होते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछ लूं कि लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी नई लोकसभा के गठन की पहली बैठक तक, ऑप्शन नंबर सी नई लोकसभा के गठन तक, ऑप्शन नंबर डी नई लोकसभा के गठन से, नई लोकसभा की बैठक पहली बैठक से 1 दिन पहले तक। वापस प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के सुनना भाई, बातें नहीं होती। प्रश्न आप उत्तर आपसे पूछूंगा तीनों, ध्यान से सुन लेना। आप प्रश्न में पूछ रहा हूं वो सुनिए, प्रश्न ये है कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी नई लोकसभा के गठन की पहली बैठक तक, ऑप्शन नंबर सी नई लोकसभा के गठन तक, और ऑप्शन नंबर डी नई लोकसभा के गठन के बाद उसकी पहली बैठक से 1 दिन पहले तक। हाँ बताइए कितना होता है, डी, वेरी गुड, राइट आंसर। ध्यान रखना लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर लोकसभा बीच में भंग हो गई तो फिर क्या होगा, क्या 5 वर्ष तक वो अकेला बैठा रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है नई लोकसभा गठन की पहली बैठक से 1 दिन पहले तक। नई लोकसभा का गठन होगा उसकी पहली बैठक होगी उसके 1 दिन पहले उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जब 1 दिन कार्यकाल पहले समाप्त हो जाता है ऐसी स्थिति में नई लोकसभा के गठन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा,
नई लोकसभा बनी और उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि उसका कार्यकाल तो एक दिन पहले तक वो खत्म हो चुका है, तो फिर वहां पर अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा, प्रोटेम स्पीकर करेगा, इसलिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, एक राष्ट्रपति अमूमन करता नहीं है, मेन बात ये राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है, तो उसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करता है, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर होगा, अस्थायी अध्यक्ष होगा वो करेगा। अब आपसे प्रश्न पूछ लिए जाए इस प्रोटेम स्पीकर के लिए, और क्वेश्चन बन रहे कि भारत में पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, प्रथम प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूं, जीवी मावलंकर, गुलजारी लाल नंदा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वापस कह रहा हूं, भारत में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए थे पहली बार, तो ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिमाग लगाइए, थोड़ा सा बहुत दिमाग लगा दोगे, नाम सुन रखे होंगे, बताइए। तो भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। हाँ, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, संविधान सभा के, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो हमने जब बात की थी कि संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा ने एक संविधान बनाने के रूप में भी काम किया और एक संसद के रूप में भी काम किया था, नहीं किया। एक दिन जब संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता होती थी, संविधान सभा के रूप में जब बैठक होती थी, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, उससे पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और जब संविधान सभा की बैठक एक संसद के रूप में हो रही थी, उस समय बैठकों की अध्यक्षता जीवी मावलंकर कर रहे थे, लेकिन जीवी मावलंकर को बाद में नियुक्त किया गया, सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुआ, यानी अस्थायी अध्यक्ष भी हुई था और प्रोटेम स्पीकर भी पहला कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यह नाम आ जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, ऑप्शन ये चारों सेम दे रहा हूं, प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तो दिमाग लगा लो, अभी मैंने कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले नाम लिया था, कुछ सेकंड हुए अभी, बिल्कुल राइट आंसर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर ही थे, ध्यान रखना। अगर किसी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जा रहा है, तो उसको लोकसभा अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का है, लोकसभा अध्यक्ष बनाने का काम लोकसभा स्वयं का है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो वापस अध्यक्ष नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। और ऐसा भारत की पहली लोकसभा का गठन 1952 के अंदर हुआ था, और उस समय प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसको बनाया गया था, जीवी मावलंकर को, और उसके बाद में जब लोकसभा ने अपना अध्यक्ष चुना, तो सेम उसी को वापस चुन लिया, जीवी मावलंकर। तो यह नाम क्या आ जाएगा, जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और
और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, सब जानते हैं आप। तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? ऑप्शन नंबर ए जीव मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर सी ओम बिड़ला और ऑप्शन नंबर डी वेंकैया नायडू। प्रोटेम स्पीकर की बात वीरेंद्र कुमार, अभी कुछ समय पहले आपने आंसर दिया, वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा की क्या थी? प्रोटेम स्पीकर। तो यहाँ 17वीं लोकसभा की बात आ जाए, यहाँ लिखो ऊपर, यहां तक सारी चीज समझ आ गई? नहीं आई तो एक बार दोबारा देख लीजिए, वापस बता रहा हूं, ध्यान सबका इधर होना चाहिए। सबसे पहले अनुच्छेद 331 की हमने बात की कि भारत का राष्ट्रपति दो आंगल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है, अगर आंगल भारतीयों का प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है तो 331 के तहत मनोनीत करता है, और राज्यसभा में 83 के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब वर्तमान में 17वीं लोकसभा में आंगल भारतीयों के मनोनयन पर रोक लगा दी गई, इसलिए वर्तमान में कुल कितने सदस्य है? 543। राष्ट्रपति की अगली विधायी शक्ति की बात करें तो जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति उसमें अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द भारतीय संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये कार्य होता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। और प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? प्रोटेम स्पीकर संसद के अन्य सदस्यों को, यानी प्रोटेम स्पीकर के कार्य अन्य सांसदों को शपथ दिलाता है और बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक नया अध्यक्ष निर्वाचित नहीं कर ले लोकसभा स्वयं, तब तक उसके बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अस्थायी अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर करेगा। और सांसदों को शपथ है, अनुच्छेद 99 में लिखा हुआ है कि सांसदों को शपथ राष्ट्रपति स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से दिलाएगा। तो राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है प्रोटेम स्पीकर, और वो प्रोटेम स्पीकर इनको शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर के लिए व्यवहारिक बात है, लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ, इसका उल्लंघन भी हुआ था एक दो बार, लेकिन हमेशा अनुभवी व्यक्ति होता है उसे ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। 3-4 बार या 5 बार जीत गया है लोकसभा के बारे में जिसको जानकारी हो उसी को हमेशा नियुक्त किया जा रहा है। इंदिरा गांधी द्वारा एक बार इसकी अवहेलना भी की गई। तो ये व्यवहारिक बातें, क्योंकि संविधान में चीज है नहीं तो अपनी मन मर्जी से सारी चीज चलती है, लेकिन अमूमन ज्यादातर ये चीजें अभी तक चलता आ रहा है कि अनुभवी व्यक्ति को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भारत के प्रथम प्रोटेम स्पीकर तो यहाँ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यहाँ प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको लिया गया है, क्योंकि 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना, 1951 में चुनाव होते हैं और 1952 में पहले लोकसभा का गठन होता है, और पहली लोकसभा के गठन के समय प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया जाता है? जीवी मावलंकर को, और यही आगे जाकर के लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। पहली लोकसभा के अध्यक्ष भी ये थे और पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी यही थे, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है इसका। उसके बाद में हमने बात की कि 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, तो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार है। अब आप लिख सकते हो, उसके बाद वित्तीय सत्या पढ़ें। अब देखिए अगली बात करें, ऐसे कौन से विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लाए जाते हैं? ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होना अनिवार्य है, अन्यथा संसद नहीं ला सकती। हमने पढ़ा कि बहुत सारे विधेयक हैं, जैसे साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, ये राष्ट्रपति को पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद कहाँ जाएंगे? राष्ट्रपति के पास जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही सदन में लाए जा सकते हैं, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के सदन में नहीं ला जा सकते। तो देखिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से
लाए जाने वाले विधेयक। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ये संसद में लाए जा सकते। पहला विधेयक नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक, अगर मतलब किसी नए राज्य का गठन करना है तो उससे संबंधित विधेयक पहले राष्ट्रपति को पूछ कर ही सदन में लाया जा सकता है। ध्यान रखना, नए राज्यों का गठन कर्ता कौन है? संसद द्वारा किया जाता है। नए राज्यों की गठन की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। सीमाओं में बदलाव करने का काम है ये भी संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति को पूछ कर ही ये विधेयक सदन में लाए जा सकते हैं। बिना राष्ट्रपति को पूछे हुए ये विधेयक नहीं लाया जा सकता। नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक। दूसरी बात, राज्यों की सीमा परिवर्तन से संबंधित विधेयक। और एक और विधेयक है जिसका नाम है धन विधेयक। ये विधेयक तीनों ही पहले राष्ट्रपति को पूछ कर ही संसद में लाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं लाए जा सकते। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा, तो फिर ऐसे कौन से विधेयक है जिसमें राष्ट्रपति को पूछने की आवश्यकता नहीं? ऐसे कौन से जिसमें राष्ट्रपति को पहले पूछने की आवश्यकता नहीं? कौन से विधेयक? मैंने आपको बताया था कि संसद के अंदर तीन विधेयक अमूमन चलते रहते हैं। तीन विधेयक कौन कौन से? साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। ये संसद में चलते हैं। तो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दो ऐसे विधेयक हैं जो बिना राष्ट्रपति को पूछे भी संसद में लाए जा सकते हैं। बाकी धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही लाया जा सकता है। और धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है कि धन विधेयक केवल और केवल पहले कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। 109 में क्या कहा गया कि धन विधेयक पहले सबसे पहले कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। लेकिन किसके कहने पर लाया जाएगा? राष्ट्रपति के कहने पर लाया जाएगा। अनुच्छेद 110 ये बात कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? कौन करेगा? हसीना बाली पटेल। अनुच्छेद 110, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय हमेशा, क्योंकि लोकसभा में लाया जाएगा तो कौन करेगा इसका निर्णय? लोकसभा का अध्यक्ष। अंतिम निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या दूसरा विधेयक। तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में लाया जा सकता है। नए राज्यों का अगर गठन करना, कोई नया राज्य बनाना है, तो ऐसी स्थिति में कोई विधेयक सदन में लाना है उससे पहले राष्ट्रपति को पूछ कर लाया जाएगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं लाया जा सकता है। और राज्यों की सीमा परिवर्तन से संबंधित, अगर जैसे मान लो कोई राज्य उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, इधर वाला स्थान इधर देना है, ऐसे परिवर्तन करना है, अदला बदली वाला काम करना है कुछ, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति को पूछ कर ही वो सदन में चर्चा हो सकती है। और एक होता है धन विधेयक, जिसे अपन बजट कहते हैं। हर वर्ष हमारे सामने बजट आता है, आगे वित्तीय शक्ति आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 112 है वो इसके बारे में बात कर रहा है। अनुच्छेद 111 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति विधेयक संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति किस किस विधेयक के ऊपर हस्ताक्षर करता है, किसको पुनः लौटाता है और किसे पॉकेट वीटो के तहत अपने पास रखता है। कल बात की थी इसके बारे में। तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति क्या अपने पास रख सकता है? साधारण विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है या नहीं रख सकता? यस। और साधारण विधेयक को राष्ट्रपति क्या स्वीकृत कर सकता है? क्या साधारण विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है? संविधान संशोधन विधेयक को क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। ये कब हुआ प्रावधान? ये प्रावधान कब किया गया? कौन से संविधानिक संशोधन के तहत? 24वें संविधानिक संशोधन के तहत 1971 के अंदर। उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की। बात की थी कल हमने।
तो पढ़े नहीं घर जाकर। तो ये विधेयक है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम बात करेंगे, राष्ट्रपति की वित्तीय और न्यायिक दोनों शक्तियां कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां हो जाएगी कंप्लीट, फिर बचेगी आपातकालीन शक्तियां।